सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। कोरोना महामारी में भाजपा के सभी युवा कार्यकर्ता बाहर से आ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। कोरोना संकट काल में देश के विभिन्न राज्यों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर एवं उनके परिवारों को क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने अथक सहयोग किया। बर्रा बाईपास नवस्ता हाईवे पर खाद्य सामग्री, केला, बिस्किट, ब्रेड, लैया चना, नमकीन एवं पानी बोतल वितरित करके प्रवासियों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया। सभी का एक उद्देश्य है कि कानपुर नगर से कोई भी भूखा ना जाने पाए, इसी भावना के साथ इस सेवा कार्य को किया गया, जिसमें मनीष अवस्थी पत्रकार, कपिल अग्निहोत्री, गगन गुप्ता एडवोकेट, क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र सचान, पप्पू अग्निहोत्री, उमाकांत गुप्ता, शुभम पांडे पत्रकार, शिवम तिवारी, महेंद्र दुबे पत्रकार उपस्थित रहे। कानपुर से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका नाम? रजनीश तिवारी। ये जो यहाँ पे कार्य चल रहा है, आप लोग कितने समय से यहाँ पे चालू किए हुए हैं? ये हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे बांट रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो मजदूर आ रहे हैं इनको तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना? लंच पैकेट दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, केला दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और सूखा लैया चना दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, जिससे वो ब्रेड दे रहे हैं। ये लोग जाए रास्ते में, इनको कहीं अगर नहीं भी मिलता है तो सबको दे रहे हैं। और प्रशासन इनका किस तरह से सहयोग कर रहा है? पुलिस प्रशासन ने तो अपनी जो व्यवस्था कर रखी है वो पार्टनरों पे कर रखी है। जो भी ट्रकों से आ रहे हैं उनको रोक के बसों से भेजा जा रहा है, लेकिन लोग ऑटो से भी आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्था करके यहाँ पूरा उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे जिले और दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, यहाँ पर कमेटी के द्वारा और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा और सभी संभ्रांत नागरिकों के द्वारा यहाँ पर उनको पानी और बिस्कुट, केला आदि की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं बड़ा अच्छे से।